हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे प्रो ब्लॉगर माइक्रो निश का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप भी अर्निंग करना चाहते हो तो माइक्रो निश आप किस टाइप का चूज करो, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे कुछ वेबसाइट काफ़ी अच्छा कर रही हैं माइक्रो निश कैटेगरी में, और वो काफ़ी डिसेंट ट्रैफिक ला रहे हैं और उनकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से मोनेटाइज भी है, यानी कि वो काफ़ी अच्छा पैसा भी अर्न कर रहे हैं। तो कैसे आप यहाँ पे अपने माइक्रो निश साइट को स्टार्ट कर सकते हो, ये भी इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। सो वीडियो के साथ पूरा बने रहो। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे माइक्रो निश पर कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कैसे माइक्रो निश वेबसाइट बनाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट, देखते रहो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी, ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है और अपने ब्लॉग को आप ग्रो करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए इंस्टा प्रो, मैंने गूगल में लिखा इंस्टा प्रो और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पहली साइट आ रही है, इस साइट को मैंने यहाँ पे ओपन किया और ये देख सकते हैं गूगल एडसेंस से मोनेटाइज है फुल्ली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत टाइप के यहाँ पे इंस्टाग्राम के मॉडिफिकेशन वर्जन यहाँ पे डाले गए हैं। और इसे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए कितने सारे मोड यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इस पे अब ट्रैफिक की बात करते हैं। ये तो हो गया इंस्टा प्रो APK.net, ये वेबसाइट है। अब इसकी ट्रैफिक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिमिलर वेब का हम यूज करने वाले हैं और यहाँ पे आप देखिए ट्रैफिक है 1.1 मिलियन। आप सोच सकते हो ये वेबसाइट माइक्रो निश साइट है और इस पे 1.1 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है पर मंथ। और साथ ही साथ सबसे खास बात है, नीचे की तरफ अगर आप पाओगे तो इसमें देखो 38% जो यहाँ पे ट्रैफिक है वो इंडिया से आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब ये ग्लोबली हर जगह से लगभग ट्रैफिक इस पे आ रहा है। और यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ये माइक्रो निश है। और यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम मॉड्स और व्हाट्सएप मॉड्स के बारे में बताया जा रहा है, हालांकि ये सारी चीज़ें देखो इलीगल होती हैं, ये प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ होती हैं एडसेंस के भी ये ऐसी साइटें, बट यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है तो इन्हें यहाँ पे बेसिकली गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिला हुआ है। लेकिन अगर आप भी देखो अगर अर्न करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि केवल आप मॉड APK बताओ, और भी बहुत सारे APK हो सकते हैं जो लोग सर्च करते हैं। उसी तरह से मैं यहाँ पे और भी एक दिखा देता हूँ, जैसे कि काइनमास्टर प्रो, लोग काइनमास्टर प्रो वर्जन ढूंढते हैं और बहुत सारे क्रिएटर हैं जो काइनमास्टर का यूज करते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे देखिए kindmasterpro.cc, ये जो साइट है इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया है और यहाँ पे देख सकते हैं ये साइट भी गूगल एडसेंस से मोनेटाइज है। और इसकी भी मैं आपको ट्रैफिक चेक करवा देता हूँ, इस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है। और सिमिलर वेब का अगेन हम इस्तेमाल करने वाले हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं लगभग लगभग यहाँ पे 5 लाख से भी ज़्यादा, लगभग 6 लाख तक का यहाँ पे ट्रैफिक है मंथली। और 6 लाख का ट्रैफिक है तो इजीली ये आराम से $500 से $600 इजीली बनाएगा, अगर उसे एकदम कम CPC भी मिल रहा है तो भी, ठीक है। तो इजीली यहाँ पे अर्निंग होगी इसमें। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप माइक्रो निश साइट स्टार्ट करना चाहते हो तो ये सबसे बेहतर टाइम है। माइक्रो निश साइट आपको रिसर्च करके, कीवर्ड रिसर्च करके स्टार्ट करना चाहिए। और चलिए इन साइट्स की मैं DAPA चेक करा देता हूँ। ये देखिए इंस्टा प्रो APK.net जो साइट है इसका DA 27 है, पेज अथॉरिटी 45 है। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक्स वगैरह बनाए हैं और यही कारण है कि ये टॉप पर रैंक कर रहे हैं और ट्रैफिक ले रहे हैं। और ये एज देख सकते हैं, अभी ये 1 साल भी नहीं हुआ इस डोमेन को लिए हुए और ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे मैं और दिखा देता हूँ kindmasterpro.cc का, तो यहाँ पे देखिए DAPA 22 है और इसमें देखिए ये जो डोमेन एज है लगभग 2 साल होने वाला है, 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, तो इनका डोमेन एज भी काफ़ी पुराना है, तो ये अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप माइक्रो निश कीवर्ड रिसर्च कर लोगे ना तो आप पहले दिन से ही, आपको यहाँ पे बेसिकली जब वेबसाइट आप लॉन्च करोगे, कुछ आर्टिकल डालोगे तो पहले मंथ में ही, मान लो पहले मंथ में ही आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाता है। तो अभी यहाँ पे कैसे आप माइक्रो निश कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, तो उसके ऊपर मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं कि कैसे माइक्रो निश कीवर्ड रिसर्च किया जाता है, तो ठीक है। तो ये वीडियो आप देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च के तरीके, प्रॉफिटेबल निश कैसे निकाले। उसी तरह से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए
कैसे मैंने यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाया था कैसे मेरी माइक्रोनिश साइट गूगल में रैंक हो गई थी। और देखो अगर आपको यहाँ पे माइक्रोनिश कीवर्ड रिसर्च करना है तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए ये कीवर्ड रिसर्च वाली वीडियो थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइक्रोनिश वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलता है। ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं कि कैसे यहाँ पे बेसिकली काम करना है। और बात आती है कि कैसे आप माइक्रोनिश वेबसाइट को बना सकते हो, तो ये देखो मैंने बताया था हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल माइक्रोनिश वेबसाइट विद होस्टिंगर। देखो मैक्सिमम जो यूजर आते हैं ब्लॉगिंग फील्ड में वो होस्टिंगर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कैसे आप होस्टिंगर का इस्तेमाल करके आप माइक्रोनिश साइट स्टार्ट कर सकते हो, तो ये वीडियो देख लेना। तो ओवरऑल देखो कीवर्ड रिसर्च करो माइक्रोनिश के ऊपर और उस पर अपना एक ब्लॉग बनाओ और काम करो कुछ टाइम। और देखो माइक्रोनिश साइट है ना, एक बार आपको वेबसाइट बना के छोड़ देनी है उसके बाद उससे पैसे आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको पोस्ट लिखने हैं या बहुत सारे आपको आर्टिकल छापने हैं उसके बाद ही आपको ट्रैफिक मिलेगा, नहीं। माइक्रोनिश साइट की यही खास बात है कि एक बार अपनी वेबसाइट को लॉन्च करिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पेजेस बनाइए और कुछ जो मॉड्स के एपीके वगैरह हैं वो डालिए और बस आपकी साइट रेडी है, लॉन्च हो गई, ठीक है। तो और भी कोई प्रो एपीके आता है तो उसमें आपको ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें महीने में दो महीने में एक बार की जाती हैं। तो माइक्रोनिश साइट जो होती है ना वो काफ़ी बढ़िया होती है अर्निंग करने के मामले में। एक बार लॉन्च करो उसके बाद आप आराम से बैठो, आपकी साइट अगर रैंक हो जा रही है तो आराम से आपको ट्रैफिक मिलेगा, आपको अर्निंग होगी। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि हेल्पफुल है, आपको समझ में आया हो कि कैसे माइक्रोनिश लोग बनाकर काफ़ी डिसेंट अर्निंग कर रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो धन्यवाद।